अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का सालन। चिकन के सालन के लिए मैंने लिया है एक पैन में ऑयल और उसके अंदर डाल दी मैंने 2 अदद प्याज। अब उसको मैं अच्छे से सौते करूँगी प्याज को। तो जी, शाबान अब बस जा रहा है, ऐसा ऐसा हमें अलविदा कर रहा है। और 15 शाबान परसों है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी रात है हम मुसलमानों के लिए, कि बहुत सारी इबादत करनी है हम लोगों ने, बहुत सारी गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। तो जी, मैंने इसमें डाल दिए चिकन। चिकन को अच्छे से सौते कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। तो बस फिर ये बड़ा दिन है मुसलमानों के लिए, तो फिर हम जो हैं अपने अच्छे से जो हैं हलवे बनाएंगे, रोज़ा रखेंगे। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग भी सब मेरे साथ आमीन बोला करें, बहुत अच्छा लगता है। आप सब दुआओं में याद रखें, हम भी आपको ज़रूर याद रखेंगे। तो जी, यहाँ पे चिकन जो है अच्छे से जो भुन रही है, देख सकते हैं आप लोग, पानी छोड़ दिया चिकन ने। तो उसमें मैं डाल दी टमाटर। अब टमाटर जो है अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे, तो मैं इनको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर, 5 मिनट मैक्स। ये देखें, टमाटरों ने अच्छा खासा अपना पानी छोड़ दिया है। और मैंने इसमें डाल दिए मसाले, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। अमूमन घर के ही मसाले होते हैं, तो अच्छा ये कि मैंने इसमें बीच में एक और अपना एडिशन की थी, जो मैंने उसमें नहीं अपना मैंने क्लिप वो ऐड किया, असल में मुझसे बना ही नहीं था, मैं भूल गई थी बनाना। मैंने इसमें डाला था शान का कढ़ाई मसाला, थोड़ा सा डाल दिया था कि थोड़ा सा अच्छा था टेस्ट आ जाता है। तो जी, मैं यहाँ पे सालन भून रहा था, तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें डाल दी हैं 2 काट के। बहुत जल्दी जल्दी हाथ चल रहा था कि फटाफट जो है ना खाना बन जाए और फिर खाएं रोटियों के साथ। तो आप लोग बताएं, रमज़ान की क्या प्रिपरेशन चल रही है? किसी घर सज रहे होंगे, किसी घर साफ़ हो रहे होंगे, कि सही से ज़रा कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर लें हम लोग अच्छे से, कि अपना सफाइयाँ हो जाएँ अच्छी सी। कि रमज़ानों में कोई ऐसा दिल नहीं करता काम करने का, कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना ज़्यादा अच्छा है। तो जी, यहाँ पर ढक के रख दिया मैंने सालन। और फिर यहाँ पर हम थोड़े से बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धोने भी साथ साथ ज़रूरी होते हैं ना, जो किचन फैल जाता है साथ साथ किचन साफ़ होता है ज़्यादा अच्छा है। बस यहाँ पर हम देख लेंगे, सालन हमारा हो गया है रेडी, डन हो गया। ये देखें, गल गई थी चिकन की बोटियाँ, तो अब मैं इसको साइड पर रखूँगी और मैं तैयारी करूँगी रोटियों की। तो जी, आज यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बता रही हूँ यहाँ पे बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ रोटियाँ कैसे यहाँ पे मैं बनाती हूँ। बहुत मज़ा आता है ऐसे ऐसे सालनों के साथ जो है ना, घर की बनी रोटियों रोटियाँ हों, और बाहर के नान और भट्टी के नान अच्छे नहीं लगते, तो बाहर की रोटियाँ भी अच्छी नहीं लगती, तो घर के रोटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चपातियाँ, छोटी छोटी पतली पतली चपातियाँ ना, खैर मेरी तो छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी रोटी है पैन के हिसाब से। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा किस तरह की आप लोग रोटियां बनाती हैं या फिर बाहर से मंगवाती हैं, कोई ऐसी चीज़ हो तो बताइएगा। तो भाई, यहाँ पे बन रही है रोटियां, तो आप लोग बताएं कि रमज़ानों में आप लोग क्या बनाने वाले हैं। समोसा और अपना रोल वगैरह ये सब चल रहा है आप लोगों का। हम लोग क्योंकि अपना ये मैं तो बनाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, रिकॉर्ड भी करूँगी। बहुत सारी तैयारियाँ करनी है रमज़ान की, बस अब शाबान की 15वीं आ गई है। बस 15 के बाद तो बस जैसे तेज़ी तेज़ी से जो है ना हाथ चलाना है और फटाफट काम करना है। रमज़ान की जो है ग्रॉसरी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो भी सब आपसे शेयर करेंगे। ये तो देखी थी मेरी रोटी बन गई, एकदम गोल बनी थी मेरी रोटी तो आप लोग भी कोई ऐसी रेसिपीज़ बताएं जो मैं बनाऊँ, ट्राई करूँ। कोई न्यू रेसिपीज़ आप लोग को पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी ज़रूर। 15वीं शवान आ रही है, तो उसमें भी लोग हलवा बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ हलवा, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी रेसिपी। आप लोग बताएं आप लोग हलवा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग। बस यहाँ पे मेरा सालन रेडी हो गया था। ये देखें भाई, धनिया पुदीना डाल के इसको सर्व करें, अच्छे से खाएँ पिए इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।